हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं फ्रेश स्वीट कॉर्न सूप बनाऊंगी। आजकल मार्केट में फ्रेश स्वीट कॉर्न और सिंपल कॉर्न, जिन्हें हम देसी भुट्टे भी कहते हैं, बहुत ही फ्रेश मिल रहे हैं। स्वीट कॉर्न सूप हम सभी को बहुत पसंद आता है और घर में बहुत ही आसानी से जल्दी ही बन जाता है। इसके लिए हम फ्रेश स्वीट कॉर्न लेंगे या हम देसी भुट्टा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नरम होना चाहिए अगर हम देसी भुट्टा लेंगे तो। मैं स्वीट कॉर्न से बनाऊंगी। भुने हुए देसी भुट्टे आजकल बरसात में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और फ्रेश स्वीट कॉर्न मिलता है, इसलिए घर में बनाने से बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाता है। अपना बनाया हुआ खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए हम भुट्टे को पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद इस भुट्टे को पहले हम आधा आधा तोड़ लेंगे और इसके कुछ दाने अलग निकाल लेंगे। कुछ दाने अलग से निकालने के बाद बाकी बचे हुए भुट्टे को हम कद्दूकस की सहायता से क्रश कर लेंगे। इस प्रकार से इस भुट्टे को हम कद्दूकस कर लेंगे और ये इस तरह से इसका मटेरियल निकल आएगा। क्रश किया हुआ भुट्टा तैयार है। इसको अब हम उबालेंगे और इसमें 2 कप पानी डालेंगे। आधा भुट्टा 2 लोगों के लिए काफ़ी रहता है। दो कप पानी डालकर इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। और इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे। कुकर की 1 सीटी आने के बाद थोड़ी देर फ्लेम को कम करके रखेंगे और बस हमारा सूप तैयार हो जाएगा। और लीजिए, तैयार है आपका फ्रेश स्वीट कॉर्न सूप। आप चाहें तो इसमें कॉर्न फ्लोर मिला के इसे और थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश चीज़ों को खाने का मज़ा ही अलग है। अब हम इसमें थोड़ी काली मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं और ये खाने के लिए तैयार है। एक बार बनाइए, खाइए और फिर शेयर करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।